वायरस को देखते हुए लागू लॉकडाउन के बीच मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई प्रवासी तो जैसे तैसे घर पहुंच गए, लेकिन अभी भी लाखों हजारों मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं और कई तो अभी भी मीलों की दूरी तय कर रहे हैं। कोरोना की मार, कोई साधन नहीं और अब रही कहीं कसर गर्मी ने पूरी कर दी। भूखे प्यासे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर का सफर और अब गर्मी का कहर। हालात ये हो गए हैं कि मजदूर अब गर्मी और धूप की वजह से दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रही महिला ने भीषण गर्मी और भूख से बेहाल होकर बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ दिया और उसका छोटा सा बच्चा अपनी मां के ऊपर उढ़ाए गए कफन को हटाकर उसे जगाने की कोशिश करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की भीषण गर्मी, भूख और डिहाइड्रेशन के चलते मौत हो गई। वो श्रमिक ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंची थी। महिला के परिवार वालों ने बताया कि ट्रेन में खाने पीने को कुछ न मिलने पर महिला की तबीयत खराब हो गई थी। उसने शनिवार को गुजरात से ट्रेन ली थी और मुजफ्फरपुर में ट्रेन पहुँचने पर थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई थी। महिला की शव को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लिटाया गया था। इस दौरान उसका बच्चा उसे बार बार जगाने की कोशिश करता रहा। बाद में एक दूसरे लड़के ने उसे वहां से हटा दिया और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज डेस्क।